कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रहे हैं और हर कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही निशाना बना रहा है। उमर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने वादों को भूल जाए मगर उन्हें इतना तो हिसाब देना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में डबल इंजन वाली हुकूमत होने के बावजूद उन्होंने गुज़श्ता 10 वर्षों में क्या किया है। अच्छा रिस्पॉन्स है ना, अच्छा रिस्पॉन्स है, हर तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और इंजीनियर रशीद कैंपेनिंग कर रहे हैं, करें, अच्छी बात है ना। वो निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही बना रहा है, क्या मजबूरी है उसकी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही वो निशाना बना रहा है, वो इस सवाल का जवाब वही दे सकता है। साथ में पीडीपी भी आपको निशाना बना रही है। आज हर कोई हमें निशाना बना रही है, चाहे वजीर आजम हो, मरकजी हुकूमत हो, बीजेपी हो, पीडीपी हो, एआईपी हो, सब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रहे हैं। तो पीएम ने काफी सारी डेवलपमेंट का वादा किया था ना, पहले तो वादा तो छोड़िए ना, पहले पिछले 10 साल का तो हिसाब किताब बराबर करें। 10 साल में क्या मिला जम्मू कश्मीर को, यहाँ डबल इंजन सरकार रही है मुफ्ती साहब की साथ, महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ, उसके बाद राजभवन के जरिए 10 साल तो जम्मू कश्मीर को डबल इंजन सरकार मिली। इस डबल इंजन सरकार का जमीनी सतह पर क्या फायदा हुआ, जरा वजीर आजम साहब वो गिने, उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे।